नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के होंगे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस और जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन तो टेन क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच प्रोसेस कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी टू तो केमिकल एनर्जी आपको बताना है कौन सा प्रोसेस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फर्स्ट ऑप्शन दिया है फोटोसिंथेसिस सेकंड इज ट्रांसफीरेशन थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन

तो हमारे पास बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आ सकती हैं जैसे देखिए सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं तो वो होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन आइटम्स प्रजेंट होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ए देखिए सीक्वेंस में अरेंज करना है सबसे पहले ए पार्ट दिया गया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर बी पार्ट दिया गया है एबजॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोफिल सी पार्ट दिया गया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट्स तो देखिए तीन पार्ट इसमें दिए गए हैं और जो तीन पार्ट हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं ये आपको पता होगा ठीक है तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो डिनोट करी जा रही है तो इसमें अगर आप थर्ड का ऑप्शन नंबर सी देखें तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि सबसे पहले क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोफिल होती है इसके बाद क्या होता है फोटो ऑफ वाटर होता है और थर्ड लास्ट पे क्या होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स होता है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है एसर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है इसमें एसर्शन दिया गया है लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन तो फर्स्ट ऑप्शन ये दिया गया है तो बिल्कुल सही है फर्स्ट ऑप्शन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया है बाइल जूस द फैट टू एक्शन बाय लाइप तो इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का बाय जूस ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड ऑप्शन भी सही है और जो सेकंड ऑप्शन है वो फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन भी है ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा इसका मतलब एसर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब द फूड अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है फूड एब्जॉर्बन के लिए तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ठीक है तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा थर्ड दिया गया है इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनर लाइनिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन के और उसको क्या कहा जाता है विली कहा जाता है जो कि एब्जॉपशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें यहाँ पे व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट देखिए इस एक्सपेरिमेंट का आपसे कंक्लूजन पूछा गया आपने देखा होगा टेप लगा दिया जाता है तो पार्ट जो है वो ब्लैक हो जाता है ठीक है तो इस तरीके कुछ से कुछ बताया गया है हमको देखिए इसको एक बार थोड़ा सा देख भी लीजिए लीफ अटैच विद प्लांट ठीक है एरिया ऑफ लीफ अनरफेक्टेड विद आयोडीन ठीक है स्टार्च टेस्ट किया गया है इसमें ठीक है ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगाई गई क्लिप लगा दी गई ठीक है एरिया ऑफ लीफ इफेक्टेड विद आयोडीन तो ये आयोडीन से इफेक्टेड है और ये एरिया आयोडीन से इफेक्टेड नहीं है स्टार्च टेस्ट किया गया है तो इसमें पूछा गया है कि कंक्लूजन क्या होगा इसका इस स्टेटमेंट का या इस प्रैक्टिकल का कंक्लूजन क्या होगा तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बी ऑप्शन दिया गया है लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस सी ऑप्शन इज क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड डी ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो बेटा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटो तो ये बताना चाहता है कि लाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है फोटो के लिए ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं लाइट इसमें नहीं आएगी और इसकी वजह से इसका कलर क्या हो जाएगा डल हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन दिस एक्सपेरिमेंट तो देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है और यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है बेल जार है पॉटेड प्लांट है वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर रखा गया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ इसमें क्या होता है तो ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहला ऑप्शन दिया गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड बी ऑप्शन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ प्रॉपर्टी टू ब्लॉक सनलाइट सी ऑप्शन में दिया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय द क्लोरोफिल एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दिस ठीक है तो इसमें सेवेंथ क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाई ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट इज द मीडियम ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्टमक का मीडियम कैसा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम कैसा होता है ये बताना है आपको तो स्टमक मीडियम अगर देखेंगे तो एसिडिक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम कैसा होता है बेसिक या एल्कलाइन होता है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है करेक्ट नहीं बताना इनकरेक्ट बताना है फर्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट में कहा है गार्ड एंड रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बी स्टेटमेंट देखते हैं सेप्रोफाइट्स रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी एंड ब्रेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड इन एन्वायरमेंट ये बी स्टेटमेंट सही है थर्ड स्टेटमेंट होलोजुक ऑर्गेनिजम ऑप्टेन सिम्पलर फूड्स फ्राम अदर ऑर्गेनिज्म एज दे डोंट कंटेन एनजाइम यह ऑप्शन जो है ये गलत है फोर्थ बोला गया है पैरासाइट्स ऑप्टेन सिम्पलर फूड फ्राम द होस्ट ये ऑप्शन सही है ठीक है तो ये हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं डेजर्ट प्लांट डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज दे डोंट कंटेन स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो बेटा ये चीज़ जो है बिल्कुल गलत है तो इसका ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा थोड़ी सी आज तबीयत खराब थी जिसकी वजह से थोड़ी बहुत खांसी आ रही थी तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा आज के लिए इतना ही रखेंगे ठीक है तो थैंक यू वेरी मच गुड बाय जय हिंद